फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में। देखिए सीआरएस स्पेशल ट्रेन गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर आती हुई, और ये वीडियो जो भेजा है वो सज्जन भाई ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन भाई, जो आपने अच्छा सा वीडियो बनाकर भेजा, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो स्पीड ट्रायल होगा वो मेरे ख्याल से मैलानी से लखीमपुर तक पूरा स्पीड ट्रायल होगा, और कल जो मेरे ख्याल से स्पीड ट्रायल हुआ गोला से लखीमपुर के बीच में वो फॉर्मेलिटी थी। और फरदान रेलवे स्टेशन पर जो पुल पड़ता है लखीमपुर की दिशा में, वहाँ पर काफ़ी कमियाँ मिली। एक जो पुल बना हुआ था उसकी जो चौड़ाई थी वो मानक से अधिक निकली, 420 mm का होना चाहिए था, लेकिन वो करीब 450 mm का निकला, जिसे RCRS साहब ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि उसको ठीक कराया जाए। आज मोटर ट्रॉली पहले रवाना की जाएगी, बाद में ट्रेन रवाना की जाएगी। जब मोटर ट्रॉली बांकेगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी तब इस ट्रेन को मोटर ट्रॉली के आगे निकाला जाएगा बांकेगंज रेलवे स्टेशन से, और इस बीच पड़ने वाले पुल मोड़ और जो क्रॉसिंग्स होंगे उनका बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा, साथ में ट्रैक का भी। अब आपको लखीमपुर से नॉन स्टॉप CRS ट्रेन ये देखिए निकलते हुए दिखाते हैं। ये स्टेशन पर नहीं रुकी और सीधे बिना रुके लखीमपुर स्टेशन को क्रॉस करती हुई चली गई। आप देख सकते हैं मतलब भर की स्पीड है लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर से, और ये क्रॉस करती हुई चली गई। चलिए वापस गोला रेलवे स्टेशन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गोला गोकरनाथ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और CRS स्पेशल ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और इस समय मोटर ट्रॉली के चलने का भी समय हो गया है। उस पर जो DRM साहिबा हैं और साथ में जो CRS साहब हैं मिस्टर लखीम खान, वो इस ट्रॉली से रवाना होंगे बाकीगंज की ओर, वहाँ पर बारीकी से निरीक्षण करेंगे। और कुछ ही समय में ये देखिए मोटर ट्रॉली चलने वाली है, सभी अधिकारीगण विशेषज्ञ अधिकारी सब इसमें सवार हो गए हैं, जो कि CRS स्पेशल ट्रेन में सवार होकर आए थे। क्योंकि गोला से मैलानी के बीच की दूरी 26 किलोमीटर के करीब की है, और यहाँ से बांकेगंज रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर के करीब में है, और ये देखिए ट्रॉली रवाना होती है, तो इस बीच में पड़ने वाले जो पुल होंगे, पुलिया होंगे और जो बैरियर्स होंगे उनका बारीकी से निरीक्षण कर बांकेगंज रेलवे स्टेशन पर भी बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि एकमात्र स्टेशन है और कोई हॉल्ट भी नहीं है। और बांकेगंज के आगे कभी भीकमपुर हॉल्ट पड़ा करता था, खैर वो जंगल के बीच में ही था, तो खैर उसका तो पता नहीं कोई अस्तित्व है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स ट्रॉली रवाना होती हुई बांकेगंज की दिशा में। तो आज गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर जनता की थोड़ी सी भीड़ नज़र आई, और उत्साह भी नज़र आ रहा है जनता में। कल थोड़ी सी कमी थी जनता की यहाँ पर स्टेशन पर, और ये देखिए मोटर ट्रॉली रवाना होती हुई अपने बांकेगंज की दिशा में निरीक्षण के लिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से ट्रॉली की रवानगी का वीडियो, साथ में लखीमपुर से नॉन स्टॉप CRS स्पेशल ट्रेन का व्यू? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, अलविदा।